बंदा जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। क्या पुराने सॉन्ग्स का होगा रीमेक? क्या जैकलीन करेंगी आइटम नंबर? दोस्तों, क्या आजकल आपको 90s के जैसे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं? नहीं ना, अभी तो सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स के रीमेक ही सुनने को मिलते हैं जिसमें मज़ा नहीं आता। जब भी हम अपने पेरेंट्स के टाइम के सॉन्ग्स को सुनते हैं तो हमें काफ़ी पीसफुल लगता है। और वहीं दूसरी साइड सलमान खान, सैफ अली खान और शाहरुख खान की पुरानी फिल्मों के सॉन्ग्स भी जब हम सुनते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो क्लासिक होते हैं। जैसे DDLJ, कुछ कुछ होता है, रेस के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फिर पार्टनर और ऐसी कई फिल्में। खैर, अब सबके साथ साथ सॉन्ग्स का भी लेवल गिरता जा रहा है। देखते हैं आने वाली फिल्मों में क्या होता है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतनी चटपटी खबरें जो लेकर आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट साक्षी शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग मूवी रेस 4 के बारे में, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब रेस के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट के बाद इसका एक और पार्ट आने वाला है जिसका नाम होगा रेस 4। बट क्या है ना, रेस के स्टार्टिंग के दो पार्ट ऑल ओवर बहुत ही सही थे। प्लोटाइन देख लो या कास्ट देख लो, सब कुछ बेस्ट था। बट वहीं थर्ड पार्ट में पूरी फ्रेंचाइजी की बैंड बजा दी। अब सॉन्ग्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक रहा है स्टार्टिंग के दो पार्ट्स का, जिसे अतीफ असलाम, प्रीतम चक्रवर्ती और KK जैसे सिंगर्स ने साथ मिलकर गाया है। जैसे कि पहली नज़र में बे इंतहा, लत लग गई जैसे और काफ़ी सारे सॉन्ग्स। अब इन गानों को सुन के ऑन द स्पॉट सभी वर्डिंग्स और ट्यून्स एंड यहाँ तक कि गाने के स्टेप्स भी आप सबको याद आ गए होंगे ना। सही कहा ना, इस प्लेलिस्ट की बात ही अलग है। तो अब जैसा कि चौथा पार्ट आ रहा है, तो क्या आप चाहोगे कि इसी टाइप के सॉन्ग्स अब फिर से आए, वो भी न्यू वे में, या फिर रीमेक्स पसंद करेंगे इन हिट सॉन्ग्स का? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस 4 पार्ट के फर्स्ट और सेकंड बननी चाहिए, ना कि थर्ड पार्ट जैसी वियर्ड कंटेंट वाली, तभी हम सॉन्ग्स को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। पर हाँ, आखिर में फ्रेंचाइज मूवी है तो आजकल के डायरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, ज़रूर सॉन्ग्स का एक आध रीमेक तो होगा ही होगा, तभी उन्हें जाकर चैन मिलेगा। पर वहीं ऑडियंस को ट्रोल करने का या थोड़ा बहुत हेटेड दिखाने का मौका मिल जाएगा अगर फिल्म में चीज़ें इधर से उधर ज़रा भी हो गई तो। यू नो वॉट आई मीन, राइट? अब बात करें आइटम नंबर की, तो किस पार्ट में सबसे बेस्ट आइटम सॉन्ग था? क्या वो लत लग गई है या फिर ज़रा ज़रा टच मी है? मेरे हिसाब से एंड ऑडियंस के हिसाब से दोनों ही ऑन पॉइंट रहे हैं। एक तरफ कैटरीना एंड दूसरी तरफ जैकलीन, उफ, दोनों ने ही आग लगा दी थी। इन दोनों ने ज़बरदस्त मूव्स और थोड़ी बहुत अपनी एक्टिंग दिखाकर सबके होश उड़ा दिए थे। और अब ये दोनों भी सभी के पीछे छोड़ के इंडस्ट्री की नामी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। कैटरीना तो कमाल है ही, पर जैकलीन भी कुछ कम नहीं है। पर अब चौथे पार्ट में किसका आइटम नंबर देखने को मिल सकता है, क्या लगता है? वैसे कैटरीना ने तो काफ़ी आइटम नंबर्स किए हैं, जैसे कि शीला की जवानी, चिकनी चमेली और कई सारे सॉन्ग्स। अब सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का हर कोई मेंबर कैटरीना के मूव्स के लिए क्रेजी होता है। पर अब कंपटीशन में जैकलीन की हॉटनेस भी आ चुकी है एंड नोरा फतेही का हॉट फिगर एंड उनके मूव्स भी। ना जाने कौन होगा, अगर ऑडियंस की राय माने तो जैकलीन एंड कैटरीना के बीच तो बस कैटरीना को ही चूज किया जाएगा। क्या पता वो लत लग गई के रिमिक्स वर्जन में दिखाई दें।
एंड जैकलीन को पीछे छोड़ दें। बस इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। तो आपको क्या चॉइस होगी, क्या वो कैटरीना होंगी या जैकलीन, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।